मूवी के स्टार्ट में हमें क्लियर नामी एक लड़की दिखाई जाती है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आई है। वो यहाँ एक टेस्ट सब्जेक्ट बन के आई थी। उसके साथ और भी बहुत से लोग यही इसी काम के लिए आए थे। टेस्ट सब्जेक्ट मतलब इन लोगों के ऊपर उन मेडिसिन को टेस्ट किया जाता था जो अभी तक मार्केट में आम लोगों के लिए लॉन्च नहीं हुई। वो मेडिसिन सेफ हैं या नहीं उसका फैसला इन टेस्ट सब्जेक्ट्स को खिलाकर किया जाता है। इसमें यकीनन इनकी जान को भी खतरा है लेकिन इस काम के लिए बहुत से पैसे मिलते हैं। टेरी ने मेडिसिन तो ले ली थी लेकिन अभी भी वो काफी परेशान थी कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। उसके बाद सारे ही टेस्ट सब्जेक्ट्स को एक रूम में लेकर आया जाता है और इनसे मिलने के लिए आती है डॉक्टर रोजी जिनके अंदर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वो इनको बताती है कि आप लोगों को 5 दिनों तक यहाँ रखा जाएगा और हर रोज डोज बढ़ाकर मेडिसिन दी जाएगी। आखिरी दिन आप लोगों को 85 mg की मेडिसिन दी जाएगी और वो भी अगर आप पर सेफ एक्ट करती है तो आप लोगों को यहाँ से भेज दिया जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले किसी भी हाल में आप इस फैसिलिटी से बाहर नहीं जा सकते। सभी लोग मेडिसिन ले लेते हैं जिसके कुछ घंटों बाद मेडिसिन का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए इनके कई टेस्ट किए जाते हैं जैसे ब्लड प्रेशर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। काफी टाइम तक तो सब नॉर्मल था लेकिन फिर अचानक क्लेयर को वॉमिट आ जाती है। वो जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ उसे एक आमिर नाम का लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं पहले भी ऐसे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है। जब सभी लोग सोने की कोशिश करते हैं तो किसी को भी नींद नहीं आ रही। साथ ही सब लोगों को अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही थी यानी हेलुसिनेशंस हो रहे थे। वो लोग पिछले 2 दिन से सोए नहीं थे और अब सबको डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन के गलती तो नहीं कर दी। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर रोजी को जो अपनी हेड अथॉरिटी से बात करते हुए उन्हें बता रही है कि ये मेडिसिन इन टेस्ट सब्जेक्ट्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर रही है। मैंने सभी की MRI रिपोर्ट देखी है। ये असर इतना ज्यादा हो रहा है कि इनकी जान भी जा सकती है। आप लोगों ने मुझे कहा था कि ये मेडिसिन इन्फेक्शन की है लेकिन ये मेडिसिन इन्फेक्शन की हो ही नहीं सकती। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये किस चीज की मेडिसिन है? पर अथॉरिटी वाले उसे मेडिसिन का बताने के बजाय वो टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर डोज बढ़ाने को कह देते हैं और डॉक्टर रोजी को ना चाहते हुए भी कंपनी अथॉरिटीज की बात माननी पड़ती है। जब सभी लोगों के पास इतनी ज्यादा डोज मेडिसिन की जाती है तो सभी डॉक्टर रोजी से सवाल करते हैं कि हमें आज ही क्यों इतनी ज्यादा डोज दी जा रही है। जिस पर डॉक्टर रोजी कहती है कि कंपनी ने रूल्स चेंज कर दिए हैं और अगर आज आप लोग ये मेडिसिन ले लेते हैं तो इसके बदले आपको 30,000 यूरो बोनस भी मिलेगा। इतनी बड़ी अमाउंट के बारे में सुनकर ये सब लोग खुशी से पागल होकर झूमने लग जाते हैं। सभी लोग बिना किसी सोच के ये सारी की सारी टैबलेट्स खा लेते हैं। ये लोग 4 दिन हो गए नहीं सोए थे और अब इन्हें नींद भी आ रही थी लेकिन नहीं भी आ रही थी। इनकी हालत काफी अजीब हो गई थी और रोजी इनकी हालत के बारे में कंपनी अथॉरिटीज को दोबारा बताती है। यहाँ पर अथॉरिटीज मेडिसिन रोकने के बजाय या उनका कोई और ट्रीटमेंट करने के बजाय दोबारा डॉक्टर रोजी को उनकी डोज बढ़ाने को कहते हैं। अब डॉक्टर समझ चुकी थी कि अथॉरिटीज का इरादा नेक नहीं है। ऐसे डोज बढ़ाएंगे तो ये लोग मर भी सकते हैं। डॉक्टर रोजी की सारी बातें आमिर नामी वो मेडिकल स्टूडेंट भी सुन चुका था जो यहाँ का टेस्ट सब्जेक्ट था। वो डॉक्टर रोजी के यहाँ से जाने के बाद उन टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर होने वाले पूरा एक्सपेरिमेंट और इन लोगों के MRI रिपोर्ट्स वगैरह सब चीजों का डेटा निकाल कर अपनी पेन ड्राइव में रख लेता है। MRI रिपोर्ट देखकर तो वो बहुत घबरा चुका था। उनके दिमाग पर इतना बुरा असर हो रहा था इस मेडिसिन का। ये लोग कोमा में भी जा सकते थे और मर भी सकते थे। जैसे ही डेटा आमिर ने एक दूसरी पेन ड्राइव में कवर किया था ये खबर कंपनी की अथॉरिटीज को भी हो गई थी और बिना वक्त जाया किए उन्होंने कंपनी में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया था। यहाँ क्लेयर जो अपने एक साथी के पास आती है तो उसे देखकर वो घबरा चुकी थी। क्लेयर की ये साथी क्योंकि सो गई थी सोने की वजह से उसकी आंखों में से उसके कान में से उसके पूरे मुंह से खून निकलकर वो आखिर मर जाती है। ये सभी लोग अब इस फैसिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी भाग नहीं पाता। इवन के डॉक्टर रोजी भी दरवाजे में फंसकर मारी जाती हैं। इन लोगों को यकीन हो चुका था कि अब इनकी जान नहीं बचने वाली। इस टाइम पर आमिर आकर इन सभी लोगों को बताता है कि मैंने डॉक्टर के सिस्टम से हम सबकी रिपोर्ट्स चेक की है। हमें जो मेडिसिन दी जा रही है वो जगाने के लिए है और 4 दिन हो गए हैं हम सो नहीं पाए। हमारा दिमाग हमें सुलाने की कोशिश कर रहा है और ये मेडिसिन जगाने की। और अगर हम इन मेडिसिन को लिए सो गए तो इन मेडिसिन के असर में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और हम लोग मर जाएंगे। किसी भी तरह करके हमें सिर्फ 24 घंटे तक जागे रहना है जिसके बाद दवा का असर कम हो जाएगा, हम यहाँ से निकल पाएंगे और हमारा इलाज हो पाएगा। अगर हम लोग 2-4 दिन के लिए कोमा में चले गए फिर भी हमारे जिंदा रहने के और कोमा से वापस आने के चांसेस ज्यादा हैं। आमिर यहाँ इसी फैसिलिटी के अंदर से कुछ मेडिसिन ढूंढ कर सभी लोगों को देता है
और कहता है कि ये मेडिसिन तभी यूज करनी है जब नींद बिल्कुल काबू से बाहर हो जाए। ये लोग अब अपने आप को मसरूफ करते हुए जागने की कोशिश में लग चुके थे, लेकिन इतनी देर जागने की वजह से इन लोगों को हेलुसिनेशंस हो रहे थे। आमिर को हेलुसिनेशन होता है कि उनकी मरी हुई साथी जिंदा हो गई है और इसके पास आ रही है, लेकिन तभी वो अपने दिमाग को कंट्रोल में ले आता है। एक दूसरे लड़के को भी यहाँ हेलुसिनेशंस होना शुरू होते हैं। उसे किसी अंधेरे कमरे से आवाज आ रही थी, जिस आवाज का पीछा करते करते वो उस अंधेरे में चला गया था। और इस सब के थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उसके भी आंखों, कान, मुंह, हर जगह से खून निकलते हुए वो मर चुका है। इसका मतलब कि वो इस मेडिसिन के असर में सो गया था, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसका दिमाग फटकर वो मर गया। यहाँ क्लेयर, जिसे अब नींद आ रही थी, वो एक स्टोव पे अपना हाथ चला लेती है ताकि जलन की वजह से उसे नींद ना आए। क्लेयर अब इन सबसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग 24 घंटे तक बच पाएंगे, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। ये लोग अब एक दरवाजे नुमा चीज को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन बहुत खुदाई करने के बावजूद भी उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अब दवाइयों के जरिए से इन लोगों को ऊटपटांग की सोच भी आ रही थी। एक लड़के को लगता है कि शायद आमिर कंपनी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए तो उसे इतना नॉलेज है। वो अपना इलाज ढूंढने के लिए आमिर को बांध कर उसे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन आमिर तो इससे ज्यादा खुद भी कुछ नहीं जानता था। वो खुद इन्हीं की तरह टेस्ट सब्जेक्ट था। यहाँ दो लड़के उससे मिलकर पूछते हैं, बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इससे पहले कि वो उन्हें मार देते, यहाँ क्लेयर आकर रोक देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक और लड़की आमिर को मारने के लिए नींद का इंजेक्शन भर चुकी थी, क्योंकि उसे शक था कि आमिर ने कंपनी की मेडिसिन ली ही नहीं, उसके ऊपर मेडिसिन का कोई असर नहीं, पर अगर वो सो भी गया तो भी नहीं मरेगा। और इससे पहले कि वो आमिर को इंजेक्शन लगाती, उसे खुद हेलुसिनेशंस हो जाते हैं। ऐसे में वो सो जाती है, उसका दिमाग भी कंट्रोल से बाहर होकर फट जाता है। बाकी सभी लोगों की तरह आंख, मुंह, नाक, कान से खून आते हुए वो भी मर जाती है। जहाँ क्लेयर को भी अब हेलुसिनेशंस होने लगे थे, वो 90% तक सो चुकी थी, और इससे पहले कि वो भी मर जाती, वो अपने दिमाग को कंट्रोल में करते हुए आमिर की दी हुई जगाने वाली दवाई खा लेती है और होश में आती है। और इसी दौरान उसे दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आता है, जिसके बारे में वो अपने साथियों को बताती है। ये लोग इस कमरे को खोल देते हैं और पता चलता है कि ये कमरा तो मुर्दों को रखने की जगह है, और यहीं पर एक लिफ्ट भी बनी है जिससे शायद मुर्दों को ऊपर या नीचे लाया जाता था। ये लोग अब इसी लिफ्ट को इस्तेमाल करके नीचे जाने का सोचते हैं। आमिर को भी अब हेलुसिनेशंस हो रहे थे और उससे दिखाई दे रही थी डॉक्टर रोजी, जो उसे कहती है कि इन सब ने तुम्हें धोखा दिया है, ये सब तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, तुम उठो और उठकर सबको मार दो। और दूसरी तरफ इन्हीं के एक साथी को आमिर का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि लॉकडाउन की वजह मैं ही हूँ। ये पढ़कर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आमिर के पास जाकर इस लेटर के बारे में पूछता है। आमिर कुछ नहीं बोलता, और इससे पहले कि वो आदमी आमिर के ऊपर हमला करके आमिर को मार देता, आमिर अपने आप को छुड़वाते हुए उसी के ऊपर हमला करते हुए बेधड़ती से उसे मार देता है। और ये चीज क्लेयर और उसका दूसरा साथी भी देख चुके थे। आमिर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन ये दोनों भागती हैं। वो आदमी भागकर उसी रूम में आ जाता है जिसे ये लोग लिफ्ट समझ रहे थे, जिसको बंद करते ही वहां आग लग जाती है। ये कमरा असल में लिफ्ट नहीं थी, बल्कि डेड बॉडीज को जलाने वाला कमरा था। शुक्र के उसने क्लेयर के जाने से पहले ही इस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। आखिर वो फिर बच गई। अब कंपनी के लॉकडाउन के 24 घंटे भी पूरे हो चुके थे। अचानक फैसिलिटी का दरवाजा खुलता है और यहाँ से आमिर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गार्ड यहाँ आकर उसे शूट करके मार देते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी की तरफ से हुक्म मिला था कि जो भी बचे उसे मार दिया जाए। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ क्लेयर डेड बॉडीज वाला कपड़ा पहन लेती है ताकि गार्ड्स को लगे कि वो मर गई है। गार्ड सभी डेड बॉडीज को उठाते हैं और साथ में क्लेयर को भी उठाकर अपनी वैन में डाल देते हैं, जहाँ रास्ते में वो खड़ी हो जाती है। उसे देखकर ड्राइवर डर जाता है। उन लोगों का एक्सीडेंट होता है जिसमें अब ड्राइवर मर चुका था और क्लेयर जिंदा बच गई थी, पर उन मेडिसिन के जरिए असर अब वो कोमा में जाकर वही नीचे सड़क पर पड़ी थी। सीन कट होकर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लेयर एक हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी तक कोमा में है। न्यूज में बताया जा रहा है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने इन सातों लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके ऊपर इन सातों लोगों को मारने का केस था, जिसका इल्जाम डॉक्टर रोसी पे लगाते हुए कंपनी वालों ने ये केस बड़ी ही आसानी से खत्म कर लिया था। और अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है क्लेयर कोमा से जाग गई है, जो अब असल कसूरवारों को सजा दिलवा के रहेगी।